happy and healthy. Firstly, we discuss about decimal number in first video. Today discuss about is exercise 1.1. What's decimal number? हमने क्या किया था पहले जब वीडियो में हमने रेशनल नंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको पॉइंट समझ में आया होगा तो आप एक्सरसाइज आसानी से इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर हमारा क्या है रेशनल नंबर, उसका क्या है फर्स्ट पॉइंट आपका 1.1 है, तो उससे संबंधित आज हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यूजिंग कर रहा है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। आपको जो प्रकार हमने जो प्रॉपर्टी है हमें एप्रोप्रिएट यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी आप फाइंड, हमें जो प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है जो इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा उसको प्रयोग करके हमें क्या करना है इसका मान फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, क्वेश्चन आपका -2/3 -3/4 +5/2 -3/5 फिर मल्टीप्लाई दिया गया आपका 1/6 दिया गया। देखिए इससे पहले हमने 7th में पढ़ा होगा कि हमें सूटेबल क्या करना था, आप सूटेबल अरेंजमेंट कर लेना था, सूटेबल अरेंजमेंट करके हमें क्या करना था इसको सॉल्व करना था, तो वही हमें करेंगे। वही क्वेश्चन हमारा भी कह रहा है सो सूटेबल अरेंजमेंट करिए उसके बाद उसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों नंबर में हम देख रहे हैं क्या 3/5, एक डेसिमल नंबर क्या है 3/5, दोनों में कॉमन है तो हम फर्स्टली क्या करेंगे दोनों डेसिमल नंबर को एक साथ कर लेंगे, इसके बाद 3/5 निकाल लेंगे कॉमन कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस आपका देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस इस डेसिमल नंबर को यहां पुट कर ले रहे हैं 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2 इसको हम लास्ट में लिख रहे हैं। तो यहां से देखिए आपका इस दोनों में दोनों क्या मल्टीप्लाई, हमें दोनों मल्टीप्लाई इसमें 3/5 दोनों में कॉमन है तो हम दोनों को बाहर ले रहे हैं, 3/5 को दोनों में से बाहर ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो बचा क्या आपका -2/3 माइनस यहां से निकल गया यहां बचा 1/6 बचा, फिर प्लस आपका 5/2 सॉल्व करिए इसको ऐसे में लीजिए 3/5 में मल्टीप्लाई माइनस कैंसिल लेंगे तो हमारा 6 आएगा, फिर इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 2 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2 जाके आएगा 4 और माइनस आ गया -4 आ गया 6 से 6 कटेगा 6 1 जा 6 हो गया 6 यानी 1 कटेगा हम 1 में पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यानी 3 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको प्लस करना 5/2 अब इसको हम एडिट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई -4 -1 कितना हो गया -5 हो गया अपान कितना हो जाएगा 6 प्लस आपका 5/2 इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 क्या हो गया 5 कट गया -1 टाइम जाएगा और 3 1 3 हो गया 3 2 6 हो गया तो ये कितना बचा ये आपका -1 यहाँ +1 बचा तो कितना हो गया -1 और यहाँ आपका 1 बचा 1 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपान क्या हो गया 2 प्लस 5/1 क्या हो गया 2 हमारा दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो 5 और -1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा क्योंकि 5 प्लस सब कुछ भी आएगा पर नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4/2 2 से हम डिवाइड करेंगे 4 में तो आपका 2 टाइम्स जाएगा हमारा रिजल्ट कितना आ गया 2 तो हमारा 2 क्या हो गया आंसर हो गया। इसका कहने का मतलब हम ये क्या करना सूटेबल अरेंजमेंट कर लेना उसके बाद उसको सॉल्व करना, आप वैसे भी लगाएंगे तब भी आंसर आएगा लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे सूटेबल अरेंजमेंट करेंगे फिर इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब देखिए इसका दूसरा है दूसरा सब आप सब लगाएंगे दूसरा आपको लगाना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है राइट द एक्टिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने कल पहले वाले वीडियो में आपको डिस्कस किया था किसके बारे में एक्टिव इनवर्स के बारे में, एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको पता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं स्वयं इस क्वेश्चन को। देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन है हमें एडिटिव इनवर्स इसमें ज्ञात करना फाइंड करना है करा 2/3 का पहला है 2/3 यानी 2/3 का हमें 2/8 है 2/8 का हमें करना है एडिटिव इनवर्स निकालना है तो
तो हमने एडिटिव इनवर्स क्या निकला? एडिटिव इनवर्स आप एनी नंबर इट्स सेल पर नंबर विद अपोजिट साइन, यानी कि किस संख्या का एडिटिव इनवर्स क्या सम संख्या होती है, किसके साथ विद करा नेगेटिव साइन यानी कि विपरीत चिन्ह के साथ, या अपोजिट साइन कह सकते हैं अपोजिट साइन विद अपोजिट साइन यानी विपरीत चिन्ह के साथ। तो ये हमारा क्या है, ये प्लस क्या है, पॉजिटिव रेशियो नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू, या इज लिख दीजिए इज इक्वल टू लिख दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 8, यानी कि 2 अपॉन 8 क्या प्लस पॉजिटिव रेशियो नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 8 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे समझिए माइनस से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और अगला, माइनस 5 अपॉन 9 दिया गया, माइनस 5 अपॉन 9 यहां पर दूसरा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड सेक्शन है, तो इसका आपका एडिटिव इनवर्स कितना हो लिखेंगे, इससे एडिटिव ये माइनस है तो इसमें माइनस गुणा कर दीजिए, माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 9, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 9 हो गया, यानी कि हमारा नेगेटिव इंटीजर था तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इनवर्स आ जाएगा। हमारा एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव आपका नंबर है रेशनल नंबर, तो उसका नेगेटिव का रेशनल नंबर क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला देखिए आपका दिया गया है माइनस दिया गया है 6 अपॉन माइनस 5 दिया गया है, रेशनल नंबर में दोनों क्या है पी क्यू क्या है माइनस है, माइनस 6 अपॉन माइनस 5 दिया गया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 6 अपॉन 5 आएगा, आपने क्या करना है माइनस 5 अपॉन 6 अपॉन 5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 अपॉन आप लिख सकते हैं ऐसे माइनस 6 अपॉन माइनस 5 और 6 अपॉन 5 यानी कि माइनस 6 अपॉन माइनस 5 पर सकते हैं 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा। आप यहाँ को ऐसे लिख लीजिए माइनस कॉमन हटाइए, अभी हमने क्या बताया ये आपका नंबर है इसमें अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका क्या हो जाता है एडिटिव इनवर्स हो जाता है, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस एक माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसी को हम सकते हैं माइनस 6 अपॉन 5 लिख सकते हैं। अब देखिए आप एडिटिव इनवर्स में एडिटिव इनवर्स में आपको बताया गया था कि अगर एडिटिव इनवर्स किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स उस स्वयं संख्या के साथ हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है जीरो आता है। अगला हमारा ये दिया गया है माइनस 5 अपॉन 8 सॉरी दिया गया है माइनस 2 अपॉन 8, तो इसके बाद आप करिएगा सेम टू आपको क्या करना है निगेटिव साइन को चेंज करना है पॉजिटिव टू निगेटिव निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, साइन को चेंज करना मीन्स आपको क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना उस रेशनल नंबर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना हो क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस फिर आपका ब्रैकेट में दिया गया माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स पार कर रहा है इतना, तो हमें वेरीफाई करना है दिया गया है क्या माइनस फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया गया एक्स, यानी कि आपका इसका मीन्स देखिए पहले समझ लीजिए मीन्स इसका क्या कह रहा है, यानी कि इसका ये नेगेटिव आपका रेशनल नंबर एक्स क्या है रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर का ए माइनस का मतलब एडिटिव इनवर्स, अभी मैंने पढ़ा एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस गुणा होता है तो एडिटिव इनवर्स हो जाता है, तो इसका मीन्स क्या है इस नेगेटिव इनवर्स का क्या होगा एडिटिव इनवर्स में माइनस माइनस एडिटिव इनवर्स क्या होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा रेशनल नंबर होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था माइनस 5 अपॉन 9 का क्या हो गया तो प्लस 5 अपॉन 9 हो गया था, माइनस मीन्स आपका क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा, तो हमें इसको वेरीफाई करना है संख्या लेकर के दिया गया है तीसरे का पहला तीसरे का फर्स्ट दिया गया है आपका क्या है एक्स इक्वल टू कितना दिया गया 11 अपॉन 15, इसको हमें लेकर के करना है वेरीफाई करना है, इसको लेकर के हमें क्या करना है वेरीफाई करना है हमारे एक्स का मान इसमें क्या करना है एक्सपुट करना है इसको सॉल्व करके कि हमारा इतना आ जाए, इसी को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं सॉल्व करेंगे माइनस
मास देखिए 11 अपॉन 15 एक इक्वल टू क्या हो जाएगा मास 11 अपॉन 15 यानी मास साइंस के करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ट्रिमेनस हो जाएगा। अब क्यों हो रहा है क्यों इसको हम प्रूव भी करेंगे, प्रूव करने के लिए हम एक अगले वीडियो में बता चुके हैं बी का देखेंगे बी का क्यों क्योंकि हमारा अगर ट्रिमेनस अगर ये होगा तो हमारे दोनों का सम क्या आएगा दोनों का सम क्या आएगा जीरो आएगा। तो देखिए यहां पर नेगेटिव है पॉजिटिव मास पास प्लस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दोनों पर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा दोनों का डिनोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर बराबर है दोनों इक्वल है तो हमारा क्या आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब हमारा इससे है कि मास देखिए 11 अपॉन 15 का ट्रिमेनस का होगा मास 11 अपॉन 15 होगा। अब देखिए इसका हम विपरीत भी कर सकते हैं इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि 11 अपॉन 15 का आपका मास 11 अपॉन 15 हो गया ट्रिमेनस को मास 11 अपॉन 15 का ट्रिमेनस क्या होगा 11 अपॉन 15 होगा। चलिए हम इसका आगे लिखते हैं लिखेंगे द सेम इक्वलिटी द सेम इक्वलिटी यानी कि यही हम लेंगे ये आपका 11 अपॉन 15 माइनस 11 अपॉन 15 इज इक्वल टू 0 इसका मीन क्या इसका देखते हैं उल्टा हम करेंगे कि माइनस 15 का एक्टिव इनवर्स क्या होगा माइनस 11 अपॉन 15 का एक्टिव इनवर्स क्या होगा 11 अपॉन 15 होगा। आगे हम लिखेंगे इसके ऊपर लिख लेते हैं इसको हम इरेज कर देंगे इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा अब देखिए हमें दिखा रहा है लेकिन ये सो डैट इट्स सो डैट एक्टिव इनवर्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 11 अपॉन 15 लिखेंगे ए से जाए इक्वल टू क्या होगा 11 अपॉन 15 यानी कि हमारा माइनस 11 अपॉन 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 11 अपॉन 15 या होगा 11 अपॉन 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस 11 अपॉन 15 यानी कि नेगेटिव का पॉजिटिव पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। जब हमारा देखिए इसका एडिटिव इनवर्स अब इतना होगा तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं अगर हम माइनस 11 अपॉन 15 का एडिटिव इनवर्स निकालें माइनस 11 अपॉन 15 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो लिखेंगे क्या मान लीजिए हमने बताया कि हम किसी का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 15 का माइनस 11 अपॉन 15 का एक्टिव इनवर्स निकालेंगे तो माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा कैसे आया देखिए बता रहे हैं तो हमारा माइनस से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा तो आपका कितना आ गया माइनस फिर माइनस 11 अपॉन 15 इज इक्वल टू 11 अपॉन 15 अगर हम उससे कंपेयर करें हमारा x बराबर x इज इक्वल टू दिया था 11 अपॉन 15 से तो यहां से हमारा x के स्थान पे पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस फिर इसके स्थान पे एक्सपुट करेंगे माइनस तो आपका आ गया एक्स हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स ये हमें प्रूव करना था इस रेशन नंबर को लेकर के एक्स के स्थान पे हमें क्या करना था ये प्रूव करना था ये देखिए प्रूव हो गया ले देंगे हम प्रूफ्स। अब देखिए इसी अकॉर्डिंग हमें एक और दिखाना है एक और है एक और दिया गया है उसको आप देखिए उसको आप स्वयं करिएगा सेम टू इसी अकॉर्डिंग उसका देखिए दिया गया है वो अगला दिया गया है x is equal to दिया गया है माइनस 13 अपॉन 17 x is equal to दिया गया है माइनस 13 अपॉन 17 सेम टू सेम वही प्रोसेस आपका इसको आप सॉल्व करिएगा स्वयं। चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करा फाइंड द मल्टीपल इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मल्टीपल इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग हमने 7th में पढ़ा था मल्टीपल इनवर्स 6th में भी पढ़ा था मल्टीपल इनवर्स देखिए 8th में भी आता है मल्टीपल इनवर्स तो मल्टीपल इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं रेसिप्रोकल मल्टीपल इनवर्स में क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम मतलब किसी का मल्टीपल इनवर्स क्या होता है अगर हम उसी संख्या के मल्टीपल इनवर्स को उसी संख्या में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए तो हम कहेंगे वो संख्या क्या उसका मल्टीपल इनवर्स है। चलिए निकालते हैं इसमें हमें क्या को फाइंड करना है मल्टीपल इनवर्स फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है माइनस 13 तो माइनस 13 का क्या होगा मल्टीपल इनवर्स क्या होगा लिखेंगे मल्टीपल करिए या मल्टीप्लिकेटिव करिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
इनवर्स ऑफ माइनस 13 क्या हो जाएगा? देखिए इसका आप उल्टा कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 13/1, तो हमारे 13/1 का एट्रीम इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-13 हो जाएगा, ये आपका एट्रीम इनवर्स हो गया। क्यों, अभी हमने बताया क्या, अगर हम क्या करते हैं उसी संख्या के एट्रीम इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमारा नंबर से डिसिमल नंबर कितना था, -13/1 मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, कितना -13 आया है, -13 तो देखिए कैंसिल आउट, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 1/1 तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, इसका मतलब हमारा क्या इनवर्स सही है। यानी हमें कुछ नहीं करना था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना, आपका एट्रीम इनवर्स हो गया। अगला देखिए हमारा फोर्थ का दिया गया, फोर्थ का दिया गया -13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको देखिए हम अथवा कह सकते हैं रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -13/19, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 19/-13 का हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल अथवा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, अगला आपका देखिए क्या 1/5, 1/5 का क्या होगा, 5/1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस हम चौथा आपको बता रहे हैं, फोर्थ है आपका दिया गया -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, देखिए हम इसका क्या करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना। देखिए आप इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, इसके बाद आपका एक डेसिमल नंबर बच जाएगा, फिर डेसिमल नंबर का हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे, या तो आपके लिए दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तब आपका आ जाएगा। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर इस नंबर को हम देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं अथवा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, मास मास क्या हो जाएगा, मास मास मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और 8/7 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इस नंबर्स को हम इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब हमें इस नंबर्स का क्या निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 और 15/56 इज इक्वल टू 56/15। अगला देखिए इसमें अगला कर रहा है इसी प्रकार, देखिए और आप क्वेश्चन और है एक और बता रहे मास, मास कौन सा बताइए बताए, देखिए मास कौन, देखिए दिया गया आपका 6/6 दिया गया मास कौन, 5/5 लगाइएगा, 6/6 मास कौन का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मास कौन को हम लिख सकते हैं मास कौन का टेबल लिख सकते हैं, अगर किसी का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम एक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक डाल सकते हैं, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो ही संख्या आएगी, तो मास कौन को हम मास कौन का टेबल लिख सकते हैं, इसका निकालेंगे मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 या -1/1 इज इक्वल टू 1/-1 अथवा इसको कह सकते हैं क्या -1, कि मास ऊपर चला जाए आप -1/1 करो फिर अथवा करो -1, यानी कि हमारा 1 का जिसका क्या मल्टीप्लिकेटिव नंबर स्वयं ही होता है, 1-1 एक ऐसा नंबर है जो कि जैसे नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं स्वयं होते हैं, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन अ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक, कह रहा है क्या करना हमें मल्टीप्लिकेशन में यानी कि गुणन में
हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी का नाम बताना, करा नेम भी प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना। नीचे दिए जितने भी मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना, प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना। तो कल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था अगले वीडियो में, तो उसको आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला लिखा गया है माइनस फाइव अपॉन माइनस फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन मल्टीप्लाई माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव। इस आप इसमें आपका फाइव का फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना। तो आप इसको इसमें आपके कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना। तो देखिए जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में, यदि हम किसी में जैसा नंबर में कौन से मल्टीप्लाई कर देते हैं चार लेफ्ट से चार राइट से, तो नंबर क्या आता वही नंबर आता। अगर ऐसा है तो वो आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए क्या होता है आइडेंटिटी होता है, और इसके गुणन को हम क्या करते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी। तो हमारे कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीपल आइडेंटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीपल या मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इनके बाद से किसी भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे चार लेफ्ट से चार राइट से तो हमारा क्या आएगा सेम वही रेशनल नंबर आएगा। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को हम मल्टीपल आइडेंटिटी कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। दूसरा देखिए आपका दिया गया है, दूसरा दिया गया है इसको हम डिस्कस कर देते हैं। दूसरे में किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, क्वेश्चन लिखा गया माइनस 13 अपॉन 17 मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन सेवन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन सेवन मल्टीप्लाई माइनस 13 अपॉन 17। देखिए यहाँ से ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इस प्रकार की प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अगर हम इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ये बी पहले आ गया ये बाद में। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी है का कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर्म के नियम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको लिखेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या सीधे लिख दीजिए कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला देखिए अगला कौन सी प्रॉपर्टी तीसरा कह रहा है माइनस 19 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन 19 इज इक्वल टू 1 ये दिया गया है। हाँ तो इसमें देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है आप क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सेक्शन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो अभी देखिए हमने पढ़ा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम किसी भी रेशनल नंबर के क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या आता है 1 आता है। तो अगर ऐसा है तो क्या है हमारा कौन सा प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इस प्रॉपर्टी में हमारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हुआ। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने पढ़ा आपको बताया है क्रिएट इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कर हम मल्टीप्लाई 3/6/13 बाय करा रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना 3/6/13 में हमें मल्टीप्लाई करना है। कर हम मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई बाय किससे करना है बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। हमें 6/13 में क्वेश्चन नंबर आपका 6 है मल्टीप्लाई करना है बाय किससे रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 से हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व कर लेते हैं
तो 6/13 मल्टीप्लाई रिसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो ये आपका इज इक्वल टू हो जाएगा 6/13 मल्टीप्लाई, देखिए आपका -7/16 का रिसिप्रोकल कितना होगा, -7/16 का रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16/-7 हो जाएगा। तो कर लीजिए उसका रिसिप्रोकल, तो रिसिप्रोकल हम उसका ज्ञात करेंगे, चलिए ज्ञात करते हैं, तो कितना हो जाएगा 16/-7 हो जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए 16/6 का कितना हो जाएगा 96 हो गया, अपॉन 13/7 का कितना हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस है यहाँ पे प्लस तो माइनस आएगा, 13/7 का कितना हो जाएगा 91, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, 6/13 हमारा दिया गया था, फिर कहा था मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करिए रिसिप्रोकल से, किसके रिसिप्रोकल से, -7/16 के, तो हम 6/13 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई लगा दिए, फिर जो क्वेश्चन कह रहा है रिसिप्रोकल आप कितना करना हमें लिख दिए, रिसिप्रोकल आप -7/16 आपका रिसिप्रोकल का हटा दिए, इसका रिसिप्रोकल कर लिए हो गया, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए हमारे रिजल्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेल व्हाट करा प्रॉपर्टी अलाउ यू टू करा कम्यूट, दिया गया है कह रहा है टेल व्हाट करा, बताइए आपने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी क्या है कम्यूट, यानी कि अप्लाई किया है लगाया है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आपने अप्लाई लगाया है, तो हमें लिखना है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पहले लिखिए तो आपको समझ में आएगा कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पूछ रहा है, और अपन 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करना दिया गया 6 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू दिया गया 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज कर देगा मल्टीप्लाई 4/3, तो कौन सी प्रॉपर्टी है। अब कल आपको डिस्कस फॉर्म डिस्कस दिया गया था, अगर आपका a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b क्लोज ब्रैकेट मल्टीप्लाई c है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, किस पे एसोसिएटिव पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर किस पे है मल्टीप्लिकेटिव है, यानी कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर किस पे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारा ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन कौन सा लगा है मल्टीप्लाई लगा, ऑपरेशन मतलब संक्रिया, संक्रिया बताया गया था आपका, संक्रिया मतलब चार संक्रियाएं होती है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई गुणा भाग, तो हमारा कौन सा किस पे है ओवर मल्टीप्लिकेशन पे, कौन सा नियम कौन सा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर किस पे मल्टीप्लिकेशन पे, ये हमारा आंसर हो गया, इसमें हम आंसर में लिखेंगे भाई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर अप्लाई ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या है तो चलिए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं, अगर आता है तो कहते हैं हाँ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए पहले इसको हम करते हैं मिक्स को इम्प्रॉपर बनाते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 1 कितना हो गया 9, -9 कितना हो गया 8, -9 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके बराबर आ जाता तो कहेंगे यस इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या होगा ये होगा, कहेंगे यस हाँ है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना है, तो चलिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू देखिएगा हो जाएगा 9 अपॉन 8। तो 9 अपॉन 8 क्या आपका माइनस 9 अपॉन 8 के बराबर है? नहीं, क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव डेसिमल नंबर है, ये क्या है नेगेटिव डेसिमल नंबर, यहां माइनस 9 अपॉन 8 है, क्या प्लस 9 अपॉन 8 है, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। अब देखिए हम एक रिजल्ट और से चेक कर लीजिए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता प्लस ही करता तो हमारा क्या होगा, ये नंबर्स क्या होगा, इस नंबर का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर माइनस प्लस एक नहीं आता तो क्या होगा हमारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो खैर ऐसे आपका एक्सपेक्ट है, ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव है, ये क्या होगा नेगेटिव है, तो हमारा क्या इसके बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ यहाँ पर 8/9। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा एच, देखिए एक क्वेश्चन ये भी कह रहा एच 0.3, कह रहा एच 0.3 दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/3 कह रहा क्या 0.3 कह रहा गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/3 का। तो देखिए चेक कर लीजिए इसको, चलिए अपन हम करते हैं को इम्प्रॉपर बनाते हैं, 3/3 = 9/10 हो गया, 10/3 कितना हो गया 3। देखिए इस नंबर को हम कह सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं हम अगर पॉइंट को हटाएं तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए इसका, तो लिखेंगे क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ 0.3 अथवा हम इसको लिख सकते हैं 3/10 इज इक्वल टू 10/3। देखिए आपका 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 3/10/3 आ जाएगा, 10/3 क्या which is equal to किसके बराबर है 3/3 और 10/3 जो कि कह रहा है देखिए क्या है 3/3 / 10/3 के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना है, तो ये सही है, कहेंगे यस ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना, कहेंगे यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना इज इतना अथवा इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है राइट दे, हमें इसमें लिखना है राइट करना है, पहला क्वेश्चन टेन का दिया गया है रेशनल नंबर डायरेक्ट डायग्नोस कर रहा है रेसिप्रोकल, हमें एक ऐसे रेशनल नंबर लिखना है एक ऐसे परिमेय संख्या लिखनी है जिसका क्या है रेसिप्रोकल नहीं होता, एक ऐसी संख्या लिखनी है, कल बताया गया कल की वीडियो में आपको डिस्कस किया गया था कि किसका हमें रेसिप्रोकल नहीं निकलता, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं निकलता, तो देखिए आपको बताया गया था 0/1 जीरो क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, जीरो क्या है एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं दसवें का पहला, अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो लिखिए इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/5 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता, क्या नॉट डिफाइंड मतलब ये परिभाषित नहीं है, या आपका अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा जो कि क्या है परिभाषित नहीं है, अतः हम कह सकते हैं क्या आप कौन सा नंबर है जिसका आपका मल्टीप्लिकेटिव यानी कि रेशनल नंबर ऐसा का जिसका रेसिप्रोकल नहीं निकलता वो कौन सा है जीरो अथवा 0/1 भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए दूसरा कह रहा है रेशनल नंबर डैट करा आर इक्वल टू डैट रेसिप्रोकल, कह रहा है ऐसे कौन से कितने रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल स्वयं क्या होता है वही रेशनल नंबर होता है, अभी हमने आपको डिस्कस किया इसके बारे में, देखिए हमने कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिसका रेसिप्रोकल स्वयं वही होता है, तो 1 और -1 और क्या -1 और +1 ऐसे दो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्वयं नंबर होगा, अभी हमने लिख के बताया देखिए सॉल्व किए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में -1 आया था उसका रेसिप्रोकल निकाले थे तो कितना आया था -1 ही आया था, 1 का रेसिप्रोकल भी क्या आएगा +1 ही आएगा, मतलब यही दो नंबर्स हैं रेशनल नंबर हैं जिसका रेसिप्रोकल क्या आएगा स्वयं ही संख्याएं आएंगी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है डी रेशनल नंबर डैट कराए इज इक्वल टू नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो कह रहा है क्या है नेगेटिव के क्या होता है इक्वल होता है, उसको हमें बताना है। रेशनल नंबर जो कह रहा है नेगेटिव के इक्वल होता है, तो देखिए अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारा जीरो रेशनल नंबर था। अगर हम जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो अगर हम जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस तो क्या जीरो ही रहेगा, जीरो बताया गया है। ऐसा रेशनल नंबर है जो नॉट नेगेटिव होता ना पॉजिटिव। अगर माइनस प्लस लगाते हैं तभी आपका जीरो ही पढ़ा जाएगा, प्लस जीरो नहीं नेगेटिव पढ़ा माइनस लगाते हैं तभी आपका जीरो, यानी कि ऐसा रेशनल नंबर जो क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव है तो कौन सा है आपका जीरो है, जीरो अपॉन वन भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स आप भरिएगा। आज हम इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, आप कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।